मंथरा की लगाई हुई आग में आग कैकेयी के दिल में मंथरा की लगाई हुई आग कैकेयी के दिल में आग के भांति चलती है और कैकेयी अब इस गहन विचारों में डूब जाती है कि अब वह क्या करे। इसी कश्मकश में वह राजा के कक्ष में पहुंच जाती है। महाराज, मुझे आपसे कुछ विचार विमर्श करने हैं। बोलो कैकेयी, बैठो, आओ। महाराज, आप मुझे वचन दीजिए, मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे दोगे। वचन की क्या बात है महारानी, तुम जो मांगोगे तुम्हें दूंगा। नहीं महाराज, आप मुझे वचन दीजिए। ठीक है कैकेयी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगे तुम्हें दूंगा। आपको क्या है महाराज, आपने मुझे दो वर देने का वचन दिया था। हाँ हाँ, मुझे क्या है, तो आज मैं वही वर आपसे मांगना चाहती हूँ। मांगो कैकेयी, मांगो। मेरा पहला वर यह है कि राज्याभिषेक भरत का होगा, राम का नहीं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो कैकेयी? इतना ही नहीं महाराज, मैं आपसे और एक वर मांगना चाहती हूँ। अब क्या मांगना चाहती हो, सब कुछ तो मांग लिया। मैं आपसे यह मांगना चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। क्या मेरे राम को 14 साल का वनवास? हाँ महाराज। भरत का राज्याभिषेक हो इससे मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं, लेकिन राम को 14 साल का वनवास? भूलिए मत महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, अपने वचन का पालन कीजिए। तुम्हारे वचनों से मैं बंध गया कैकेयी। राजा दशरथ हताश होकर अपने कक्ष में बैठे होते हैं, तभी पुत्र राम राजा के कक्ष में आते हैं। प्रणाम पिताश्री। राम, तुम आ गए राम, बैठो राम। क्या हुआ पिताश्री, आप बहुत चिंतित लग रहे हो। कैसे बताओ तुम्हें राम? मुझे ज्ञात है पिताश्री, भरत का राज्याभिषेक होने वाला है, मेरा नहीं। वह बात नहीं है राम, तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। पिताश्री, आपने और माताश्री ने जो भी सोचा होगा वो उचित ही होगा। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर धन्य हो गया मेरा, धन्य हो गया। यह आपने कैसा निर्णय ले लिया है महाराज? मुनिवर, मैं अपने वचनों से बंध गया हूँ,
क्या भरत का राज्याभिषेक करना उचित होगा? जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो इसमें शंका कैसी महाराज? इतना कहते श्री राम अब वनवास जाने की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ ही देर में प्रभु राम लक्ष्मण जानकी अपने पिता गुरुजन सबकी आज्ञा लेने पूरे दरबार में आते हैं। राम के वनवास जाने की खबर पूरे अवध में फैल जाती है और पूरी अयोध्या नगरी दुखों के सागर में डूब जाती है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मुनिवर, हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है यशस्वी। प्रणाम पिताश्री। लक्ष्मण तुम भी जा रहे हो? सीते तुम यह महल के वैभव को छोड़ के जा रही हो? मैं तो राम की परछाई हूँ। जहाँ राम जाएंगे उन्हीं के साथ मैं भी जाऊंगी। और इस महल के वैभव का क्या? जहाँ राम ही नहीं वह कैसा वैभव पिताश्री? तथास्तु। प्रणाम माताश्री, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रहे हो पुत्र तू? मुझे अकेला छोड़ के ऐसे ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना में कैसे रहूंगी? रोइए मत माताश्री, बैठिए और हमें खुशी खुशी विदा कीजिए। प्रणाम माताश्री। लक्ष्मण तुम भी जा रहे हो राम के साथ? तुमने ये उचित निर्णय लिया अपने ब्रदर श्री के साथ जाने को। जाओ पुत्र जाओ। प्रणाम माताश्री। अब यहाँ से राम जानकी लक्ष्मण की वनवास की यात्रा शुरू होती है। यहाँ उनकी मुलाकात अनेक भूतों से होती है। देखते हैं वही दृश्य। अपनी माता के लिए ऐसे आप सब? परंतु आपने माता नाम को कलंकित कर दिया है माता।
अब से कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा माता। और कैकेयी हताश हो जाती है, उसे दोनों पुत्र गंवाने का दुख होता है, बहुत पश्चाताप होता है। इसी बीच रावण, राम, लक्ष्मण और जानकी जब वनवास में होते हैं तो इनकी मुलाकात शूर्पनखा से होती है। देखते हैं वही दृश्य। सीते, मैं खाने का कुछ प्रबंध करके आता हूँ। ठीक है प्रभु, मैं भी भोजन का प्रबंध करती हूँ। हेलो, इतना सुंदर, इतना सुंदर मानो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम कौन हो मानो, मैं तुम्हारा तेजस्वी रूप देख के मोहित हो चुकी हूँ। मैं दशरथ पुत्र राम हूँ देवी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे मानो? मैं विवाहित हूँ देवी, उस कुटिया में सुंदर नारी है, वो मेरी पत्नी है। वो भी तेजस्वी लग रहा है, क्या वो मुझसे विवाह करेगा मानो? स्वयं ही पूछ लो देवी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता देवी, मैं विवाहित हूँ। स्वामी, भोजन तैयार है। इतनी सुंदर स्त्री, इसके होते ये दोनों मुझसे कभी विवाह नहीं करके मेरी सुंदर स्त्री को ही मार। रुक जाओ शूर्पनखा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भैया भैया, मेरी नाक कट गई। भैया कहो तुम भैया, मेरी नाक कट गई। श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और सीता एक जगह पर होते हैं। उसी बीच सीता को स्वर्ण व्रत दिखाई देता है। स्वामी, मुझे अभी अभी एक स्वर्ण का वृक्ष दिखा है, मुझे वह वृक्ष चाहिए स्वामी। मैं अभी आया सीते, लक्ष्मण तुम सीते का ख्याल रखना। आप जाइए भैया, मैं हूँ यहाँ पर। सीते सीते सीते, लगता है प्रभु बुला रहे हैं, लगता है वह किसी संकट में है। जाओ लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में है। नहीं भाभी माँ, मैं नहीं जा सकता, भाई ने मुझे आपको अकेला छोड़ने से मना किया है। मेरी आज्ञा का पालन करो लक्ष्मण, अन्यथा मैं स्वयं जाती हूँ अपने स्वामी की खोज में। नहीं भाभी माँ, आप यही रुकिए, पर मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच लेता हूँ, आप इसे पार मत कीजिएगा, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। जाओ लक्ष्मण। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि देवी, देवी भिक्षा दो। ये लीजिए महाराज, भिक्षा स्वीकार कीजिए। मूर्ख स्त्री, कोई साधु को भिक्षा देनी हो तो यहाँ। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। तो फिर नहीं चाहिए भिक्षा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा न कीजिए। ये लीजिए भिक्षा स्वीकार कीजिए। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो? मैं लंकापति रावण हूँ रावण। छोड़ दो मुझे स्वामी, मुझे बचाइए स्वामी। रावण माता सीता को लेकर जाकर अशोक वाटिका में रहता है, और इधर राम सीता की खोज में इधर उधर व्याकुल कर खोज करते हैं। तभी उनकी मुलाकात शबरी से होती है, जो उनकी बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। देखते हैं वही दृश्य।
सकते। कौन हो पुत्र तू? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ देवी। मेरे प्रभु राम, मेरे राम हो तू? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे प्रभु राम हो तू? आओ पुत्र आओ बैठो। प्रभु आपके खिला आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पर मैंने आपके लिए सूखे पेड़ रोटी लाए। उठो हनुमान उठो, तुम्हारी जगह मेरे चरण में नहीं मेरे दिल में है। प्रभु आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कहिए क्या आपका स्वामी मेरे लिए? मैं अपने सीता की खोज कर रहा हूँ हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं सीता माता की खोज कर आता हूँ। ठीक है हनुमान तुम जाओ और शीघ्र ही लौटना। अब हनुमान प्रभु राम की आज्ञा पाकर सीता की खोज हेतु निकल जाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम। कहाँ है सीता माता? माते कहाँ है? अरे ये तो नहीं सीता माता। माते प्रणाम। कौन है तू? मैं मोहन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का सेवक हूँ। कहीं रावण का रचाया खेल तो नहीं? नहीं माते, मुझे श्री राम प्रभु ने आपको खोजने के लिए भेजा है। मैं कैसे मान लूं? ये लीजिए उनकी मुद्रिका। अरे ये तो मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है, कैसे है वो? वो बड़े ही निरहम है। ये लो ये छोड़ा। प्रभु मैंने सीता माता के खोज करी थी, ये लीजिए उनकी चिट्ठी। हाँ हनुमान ये तो मेरे सीते की। हाँ प्रभु। तो हनुमान हमें शीघ्र ही बाहर जाना। हाँ प्रभु। तो चले जो आपको राम लक्ष्मण और हनुमान यह सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। इनकी यात्रा शुरू भी रहती है, काफी मुश्किलें आती हैं। राम सेतु का निर्माण होता है और इसी निर्माण में वानर सेनाओं ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसी सेतु को पार कर वह सीता माता तक पहुंच पाए थे। वहां
रावण और विभीषण का वार्तालाप हम देखने जा रहे हैं। विभीषण के बार बार समझाने पर भी रावण उनकी बात नहीं मानते, वही दृश्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रणाम महाराज। आओ विभीषण आओ। महाराज आप सीता माते को लौटा दीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे भाइयों के राम का साथ दे रहे हो? महाराज आप ये उचित नहीं करो। अपनी जबान पे विराम दो। तुम्हारे लिए इस लंका में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहां से। विभीषण रावण के पास से निकल जाते हैं और श्री राम प्रभु के साथ मिल जाते हैं। प्रणाम प्रभु। कौन हो मानो तुम? मैं लंकेश्वर का भाई विभीषण। मुझे अपने शरण में ले लो प्रभु। ठीक है विभीषण। अब यह लंका पहुंच जाते हैं और इसी बीच रावण और श्री राम का युद्ध होता है। तुमने मुझे ललकारा है राम, मैं तुम्हें इसी युद्ध भूमि में मार गिराऊंगा। तो फिर मेरे सीता का वापस करो रावण, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर मेरे साथ युद्ध करो। और युद्ध छिड़ जाता है, जंग छिड़ जाती है। रावण की मृत्यु हो जाती है और राम अपनी सीता को लेने पहुंच जाते हैं। सीता माता को ढूंढने में समय तो लगेगा ना, वो लंका में सीता माता को ढूंढ रहे हैं कि अशोक वाटिका कहाँ है, और उस अशोक वाटिका में ही सीता माता उनका इंतजार कर रही है। सीते कहाँ हो तुम? सीते भाभी माँ कहाँ है आप? सीते भाभी माँ सीते कहाँ हो तुम? भाभी माँ कहाँ है आप? सीते
प्रभु, अब आ गए प्रभु। चलो सीते, हमें अयोध्या वापस लौटना होगा। ठीक है प्रभु, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और नगरवासी अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं।